हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ। आप देख रहे हैं टेक्नो बीटी यूट्यूब चैनल। आज मैं नया वाला इंडिकेटर लगाने वाला हूं, ऑडी टाइप इंडिकेटर। वो सिर्फ 50 का आया है, एक इंडिकेटर 50 का। तो चार इंडिकेटर सिर्फ 200 का आता है। तो देखिए आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो इंडिकेटर। दोस्तों ये देखिए मेरा बाइक, आज मैं इंडिकेटर चेंज करने वाला हूँ। तो देखिए आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला बड़ा वाला इंडिकेटर है, तो ये इंडिकेटर है। तो इसका जो नट है, यहाँ पे एक नट है, इसको आपको खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए 14 नंबर का पाना। तो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा 14 नंबर का पाना। इससे आप खोल सकते हैं। ऐसे 14 नंबर के पाने से इसको लूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए। ऐसे लूज़ करके हाथ से खोल लीजिए, ऐसे खोल लीजिए। एक हाथ से राइट साइड के इंडिकेटर पकड़िए और एक हाथ से खोल लीजिए। तो मैं खोल लेता हूँ, देखिए कैसे खोल सकते हैं आप। ऐसे खोल लीजिए, इसको नट को बाहर निकलवा लीजिए। ऐसे देखिए निकल के रख दीजिए। अभी इसको इसको ऐसे खींच के निकलवा लीजिए, ऐसे करके निकल के कहीं पर रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खोल के निकल आएगा। तो ये वाशर है, इसको ऐसे लगा दीजिए, अच्छे से लगा दीजिए। पीछे देख लीजिए, लॉक पे अटक जाएगा, लगा दीजिए। फिर मैं दिखाता हूँ इंडिकेटर आप कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इंडिकेटर पे चल के देख लेते। ये देखिए ये इंडिकेटर, ये 50 का आता है, सिर्फ 50 का। एक इंडिकेटर 50 का, चार आता है 200 का। तो देख लीजिए इसका वायर जो था इतना सा ही था, देखिए हाथ में दिखा रहा हूँ इतना सा ही था। ये रेड एंड ब्लू यहाँ पे देखिए, तो मैंने वायर को एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे देखिए सामने ये ऐसा रहता है, तो मैंने एक्सटेंड करके लगा कर दिया। आप भी ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए वायर को एक्सटेंड करके। फिर मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप इस इंडिकेटर को इंस्टॉल कर सकते। तो देखिए इस इंडिकेटर को पहले वाला इंडिकेटर जैसे निकाला था, ऐसे डाल दीजिए, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे डाल दीजिए। डाल के फिर यहाँ पे लगा दीजिए, ताकि ये जो नट है देख सकते हैं आप, इस नट को इधर से डाल दीजिए। डालने के बाद इसके इंडिकेटर को ठीक कर लीजिए, लेके इस नट को ऐसे टाइट कर लीजिए। एकदम सिंपल काम है, तो टाइट कर लीजिए, लेके नट को कस लीजिए, ऐसे हाथ से कस दीजिए। इंडिकेटर को देख लेना अच्छे से, बैठा के नट को हाथ से कस लीजिए। फिर 14 नंबर के बोल्ट से इसको अच्छे से कस लीजिए। मैं जल्दी जल्दी कस लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वीडियो लंबा ना बन जाए, इसलिए मैं पहले से ही इंडिकेटर चारों लगा के रखा था। तो आपको दिखा दिया कि आप कैसे इसको लगा सकते हैं, ऐसे कस लीजिए। तो मैंने चारों इंडिकेटर लगाया था, तो मैं अब वायरिंग दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे वाला इंडिकेटर को कैसे आप खोल सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए पीछे चल के देख लेते हैं। पीछे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये नट। तो ये नट को आप लूज़ करवा लीजिए। लूज़ करने से वो पहले जैसे खोला था वैसे ही इंडिकेटर को निकलवा लीजिए। निकल के ऐसे जैसे दिखाया ऐसे ही सेम प्रोसेस से लगा लीजिए। और यहाँ पे एक गैप है, ये देखिए गैप, इस गैप से घुसा दीजिए अंदर। मैं पहले सामने का वायरिंग दिखा देता हूँ, बाद में पीछे का दिखाऊंगा। देखिए ये राइट साइड का इंडिकेटर है, इसमें दो कलर का वायर रहता है। ये पुराना वाला इंडिकेटर है, तो नया वाला इंडिकेटर में रहता है रेड एंड ब्लू। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आप कनेक्शन करके। इससे पहले आप कलर कोड को देख लीजिए। यह राइट वाला इंडिकेटर है, इसका ऑरेंज एंड ग्रीन रहेगा। तो देखिए लेफ्ट वाला, ये रहा लेफ्ट वाला इंडिकेटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू है, एक ग्रीन है। तो एक एक इंडिकेटर निकालिए और कनेक्शन करिए। तो मैं अभी कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, वहाँ पे एक स्विच था, स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। मैं पहले ये कनेक्शन कर लेता हूँ स्विच के साथ, तो दिखाता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे एक ऑरेंज है,
और मिडिल में देख फोकस नहीं कर पा रहा है, मिडिल पे देखिए इसका ऊपर, ये देखिए ये दो दो का ग्रीन है, देख सकते हैं आप, अब दिखाई नहीं दे रहा है, अब बहुत ये वाला ग्रीन है, ये देखिए कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन है, ये देखिए एक ब्लू है, ये वाला ब्लू है, तो ब्लू है इस साइड का इंडिकेटर और जो ऑरेंज है वो इस साइड का इंडिकेटर है। तो आप देख लीजिए, पहले एक एक करके खोल लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो खोल के फिर देख लीजिए, देखने फिर देखिए ये वाला जो कनेक्शन है, ये देखिए इसका जो रेड है वो पॉजिटिव है एंड ब्लू है तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इसका ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है, तो मैं ग्रीन पे ये ब्लू डाल देता हूँ, इस साइड का राइट साइड का भी ग्रीन पे ब्लू डाल दीजिए और लेफ्ट साइड का भी सेम कीजिए, ब्लू डाल दीजिए, ग्रीन पे ब्लू डाल दीजिए, दो ही कनेक्शन का होगा, देख लीजिए आप, ऐसे डाल दीजिए। डालने के बाद तो इस साइड का जो इंडिकेटर है, तो इस साइड का जो है, इस साइड का रेड इस ब्लू पे डाल दीजिए, ऐसे देखिए डाल दीजिए, और इस साइड का इंडिकेटर जो है सेम इस रेड को इस पर डाल दीजिए, ऑरेंज पे डाल दीजिए, देखिए ठीक है, ऐसे डाल दीजिए और डाल के टेप कर लीजिए। मैं भी अच्छे से डाल लेता हूँ, अच्छे से डाल के टेप कर देता हूँ। तो डालने के बाद आप पहले वाला फोर इंडिकेटर वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे जो स्विच का कनेक्शन था वो कैसे कर सकते हैं आप, सेम प्रोसेस है, देख लीजिए, देख के स्विच का भी कनेक्शन कर लीजिए। तो फ्लैशर, ये देखिए फ्लैशर, इस फ्लैशर से पहले वाला जो वीडियो में जो फ्लैशर दिया था मैं 90 रुपीज़ का, वही फ्लैशर से ये इंडिकेटर जलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा फ्लैशर खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं, तो इसी फ्लैशर से ये इंडिकेटर अच्छे से जलेगा, ये इंडिकेटर LED है। तो फिर आप पहले वाला वीडियो देख के ये कनेक्शन कर लीजिए, मैं फिर से करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यह का कनेक्शन अच्छे से करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सेफ्टी के लिए थोड़ा थोड़ा करके टेप लगा के रखा हूँ, तो टेप लगा लीजिए। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए टेप करने के बाद मैंने ये डायरेक्ट लगा दिया, वाइजर को डायरेक्ट लगा दिया। अभी मैं दिखा देता हूँ पीछे का कनेक्शन, पीछे का कनेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे, ऐसे देखिए पीछे चलिए, पीछे जाके आप पहले सीट को ओपन कर लीजिए, देखिए मैंने सीट को ओपन कर लिया, अभी मैं उस साइड चला जाता हूँ, ये देखिए इस ढक्कन को भी ओपन कर लीजिए, मैं ये ढक्कन को रखता ही नहीं, तो ये देखिए ये जो चीज़ है ये रबर का है, इसको खींच के निकाल लीजिए, ऐसे निकालने के बाद इसको पीछे कर लीजिए, ऐसे थोड़ा पीछे कर लीजिए, ये देखिए सब वायर निकल आएगा। पुराना वाला इंडिकेटर एक एक करके खोल लीजिए, खोल के वायर को देख लीजिए, फिर यहाँ पे कनेक्शन कर लीजिए, ये ग्रीन पे करिए, ये वाला ग्रीन है, इस ग्रीन पे करिए इंडिकेटर का, नया वाला इंडिकेटर का ब्लू एंड इस ब्लू पे एक एंड ऑरेंज पे एक, सेम कनेक्शन है, तो कर लीजिए सेम कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्शन होने के बाद एक बार चेक कर लीजिए इंडिकेटर जलता है कि नहीं जलता, तो इसके लिए चाबी को लगा लीजिए ऐसे, लगा के ऑन कर लीजिए, ऑन करने के बाद इंडिकेटर को एक साइड जला दीजिए ऐसे, देखिए मैंने राइट साइड पे जला दिया, ये देखिए राइट साइड का सामने का भी जल रहा है, पीछे का भी जल रहा है, अभी लेफ्ट साइड जला के दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए लेफ्ट साइड का सामने का भी जल रहा है, ये देखिए अभी पीछे का भी जल रहा है, देखिए जल रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है इंडिकेटर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।